देश भर में श्राद्ध पक्ष के चलते 16 दिन का पितृ आत्माओं की शांति के लिए पूजन तर्पण कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी क्रम में खरगोन जिले में भी परंपरा निर्वहन का अनूठा नजारा देखने को मिला है। जी हां, शहर की इंदिरा नगर अयोध्या बस्ती में सेवार्थ हितार्थ समाज सेवा संस्थान द्वारा विगत 5 वर्षों से गरीब बच्चों के लिए भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गरीब बच्चों को 16 दिन तक संस्था द्वारा दोनों टाइम खाना खिलाया जाता है। इस दौरान मीडिया से चर्चा में संस्था अध्यक्ष परशुराम यादव ने बताया कि पितृ आत्माओं की शांति के लिए गरीब बेसहारा बच्चों को खाना खिलाकर समाज सेवा कर रहे हैं। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। संस्था के द्वारा किया जाता है, हमारी संस्था जो बनी हुई उसके द्वारा किया जाता है। ये 5 साल से 16 ही दिन भंडारा चलाते हैं, 16 श्राद्ध में हमारी संस्था की तरफ से चलाते हैं। और जो भी दानदाता अगर कोई आता है और देता है तो दानदाता से तो अभी नहीं लिया अभी तक, पर कोई अगर इच्छुक हो तो ले भी सकते हैं। और ये 5 साल से चल रहा है ये भंडारा बच्चों का, इनको 16 दिन तक लगत तो इनको भोजन कराया जाता है। सुबह शाम कराते हैं। क्या इसके पीछे क्या सोच है आपकी? यही सोच है कि बच्चों का रोज का चालू हो जाए और ये वृद्धाश्रम चालू हो जाए, गौशाला चालू, नर्मदा मंदिर। दानदाताओं से निवेदन है कि अपना अपना दान दे के जल्दी से जल्दी अयोध्या बस्ती संजय नगर में ये काम चालू करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है परशुराम यादव, पहाड़ सिंहपुरा राम मंदिर के पास। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।